सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ओके, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो, ओके, सो वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का, तो प्रीवियस जो चार वीडियोज है, राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्टेप्स, उसके बाद जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद दो टाइप हम लोगों ने देखा था, ऑफर प्राइस गिवन एंड ऑफर प्राइस नॉट गिवन. ठीक है, सो वो सब वीडियो देखने के बाद ही ये क्वेश्चन देखने के लिए आना, अदरवाइज आपको कुछ भी समझने वाला नहीं है. ओके, सो हम लोग ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था TY BCom को इन द ईयर 2019 फॉर 20 मार्क्स. जैसे आप लोग यहाँ पे साइड में दिख रहे हो, मार्क्स पूछा था 20 मार्क्स के लिए. सो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो लास्ट तक आपको ये क्वेश्चन देखना है. ठीक है, सॉल्यूशन. सो क्वेश्चन आप लोग रीड कर सकते हो. फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ सोलार इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एज ऑन 31st March 2019. तो बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, ठीक है, सोलार इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का. लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ये उसका कॉलम है. स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है, शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल? ऑथोराइज्ड का मतलब होता है कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना शेयर्स इशू कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल. अभी ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, उसका बचे हुए क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है. इसका मतलब ये जो 37 लाख आपको दिख रहा है ना नीचे, ये टोटल में ये 10 लाख नहीं आएगा, तो ये आपको काउंट नहीं करना है किधर भी. ठीक है, सो ऑथोराइज का मतलब सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि कंपनी इतना शेयर इशू कर सकता है. सो दिस इज ओनली इन्फॉर्मेशन. ये आप लोग कहाँ पे लिखोगे मैं बताता हूँ, लेकिन इसका क्वेश्चन के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं. और ये 37 लाख जो टोटल है, उसमें ये 10 लाख इंक्लूडेड नहीं है, कीप दैट इन माइंड. ओके, सो उसके बाद लिखा है इशूड. ये आपका एक्चुअल आपको रिक्वायर्ड है इशूड कैपिटल. इशूड कितना बोला है, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एक शेयर 10 रुपये का, और टोटल अमाउंट आएगा 4 लाख. उसके बाद रिजर्व्स आर गिवन. इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि देर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफिट. तो ये जो जनरल रिजर्व है, इट्स अ डिविजिबल प्रॉफिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज ऑल्सो अ डिविजिबल प्रॉफिट. सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, बट यू कैन यूज दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर क्रिएशन ऑफ CRR. देन आफ्टर देर इज 11% डिबेंचर्स एंड बैंक टर्म लोन. सो डेप्ट करके एक कंसेप्ट आता है, इंट्रोडक्शन में आपने देखा रहेगा. तो डेप्ट का मतलब होता है सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन. सो डेप्ट में ये दोनों चीज़ें आती है. 11% डिबेंचर्स भी डेप्ट में आएगा, एंड बैंक टर्म लोन भी डेप्ट में आएगा. ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स, इसका डेप्ट से कुछ लेना देना नहीं है. एसेट साइड ज़्यादा मैटर नहीं करता इन बायबैक ऑफ शेयर्स. तो एसेट साइड हम लोग ज़्यादा कुछ रीड नहीं करेंगे, रिक्वायर्ड होगा तभी देखेंगे. ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस अंडर द लॉ एज ऑन 31st March 2019. इसका मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट करना है, और आपको ऑफर प्राइस भी कैलकुलेट करना है. दो टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे, ऑफर प्राइस गिवन एंड ऑफर प्राइस नॉट गिवन. तो ये जो क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको कहीं पे भी कितना ऑफर प्राइस किया वो नहीं दिख रहा है. और आपको यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस अंडर द लॉ, मतलब आपको यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ शेयर्स एंड सेकेंड वन इज ऑफर प्राइस. तो ये क्वेश्चन क्या होगा, ऑफर प्राइस नॉट गिवन का क्वेश्चन होगा. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ऑफर प्राइस नॉट गिवन. ओके, और जिन्होंने इंट्रोडक्शन के वीडियो देखे हैं, दोनों का फर्क आपको पता होगा, और कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था इन अवर प्रीवियस वीडियोस. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. एज्यूमिंग दैट द बायबैक ऑफ शेयर्स इज ड्यूली ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल एंड नेसेसरी रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय द कंपनी टुवर्ड्स दिस बायबैक, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स. जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है,
वो आप लोग कर सकते हो, वो भी प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कैसे जर्नल एंट्रीज पास करना है। और क्या प्रिपेयर करना है? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, जिसने फाइनल अकाउंट किया होगा उसको नोट्स टू अकाउंट्स पता होता है, नहीं पता है तो हम लोग बता देंगे ना, डोंट वरी। विथ रिस्पेक्ट टू किसका नोट्स टू अकाउंट बनाना है आपको? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इन दोनों के लिए आप लोग को नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। एज दे वुड अपियर इन नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2019। और आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है, आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है नोट्स टू अकाउंट्स, आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं है। सो जितना करने के लिए बोला है उतना ही करने का। सो फर्स्ट आपको क्या पास करना है? जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद आपको बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स फॉर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन रीड करके हो गया। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो लेट्स सी अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। ये थोड़ा मैं साइड में रखता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है आपके लिए, ताकि हम लोग क्विकली आगे बढ़ सके विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। कैलकुलेटर अगर लेके आप लोग बैठोगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। सो हम लोग क्वेश्चन और सॉल्यूशन उसका एक साथ देखने वाले। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन, और बाजू में आप लोग देख सकते हो उसका सॉल्यूशन। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था देखो। सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट करना है आपको, क्वेश्चन नंबर टू, जैसे आप लोग देख सकते हो सोलार इलेक्ट्रॉनिक्स का कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक, तो ये कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक पॉइंट नंबर वन। सो पॉइंट नंबर वन में आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे? 25% ऑफ ओन फंड्स। 25% ऑफ ओन फंड्स कैसे मिलता है? ओके, तो सबसे पहले आएगा ए। ए में क्या लिखोगे आप लोग? सोर्सेस। सोर्सेस में क्या आता है? डिविजिबल प्रॉफिट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो डिविजिबल प्रॉफिट में क्या आएगा? जनरल रिजर्व। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिविजिबल प्रॉफिट में आपके पास क्या है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आप लोग यूज कर सकते हो। जो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है बट यू कैन यूज इट फॉर बायबैक। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा, तीनों का टोटल किया, जो टोटल आता है 12 लाख। ठीक है, उसके बाद सेकेंड बी दैट इज शेयर कैपिटल, उसमें हम लोगों ने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, जो एक ही आपके पास अवेलेबल है, जिसका अमाउंट कितना है? 4 लाख। सो 12 लाख और 4 लाख दोनों का टोटल किया, आपको टोटल ओन फंड्स मिलेगा 16 लाख। लेकिन आपको टोटल फंड ओन फंड्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए उसका 25%। सो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन तो बराबर करते हैं लेकिन टोटल ओन फंड्स लिख के क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको ऐसा करना नहीं है। सो कीप दैट इन माइंड, टोटल ओन फंड्स तो लिखोगे, उसके बाद उसका कैलकुलेट करोगे 25%। तो ये 16 लाख का 25% आएगा 4 लाख, जो होगा आपका 0.1। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू आपको मिलेगा दैट इज मिनिमम ओन फंड्स। मिनिमम ओन फंड्स कैसे मिलता है? टोटल ओन फंड्स जो आपको ऊपर मिला था 16 लाख, ये 16 लाख नीचे कॉपी किया आप लोग देख सकते हो, उसमें से लेस किया मिनिमम फंड्स। मिनिमम फंड कैसे मिलता है? डेप्ट डिवाइड बाय टू। डेप्ट का मतलब मैंने आपको बोला था सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 11% डिबेंचर्स 14 लाख और बैंक टर्म लोन 6 लाख। सो दोनों का टोटल किया तो मिनिमम फंड्स आएगा 20 लाख। ओके, और इस 20 लाख को डिवाइड बाय टू किया तो आपको मिलेगा 10 लाख। 16 लाख में से 10 लाख माइनस किया तो आपको मिलेगा 6 लाख। तो ये होगा आपका पॉइंट नंबर टू। सो पॉइंट नंबर वन मिला और आपको मिला पॉइंट नंबर टू। ओके, एज पर वर्किंग नोट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर थ्री, जो आप लोग देख सकते हो। सो पॉइंट नंबर थ्री इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और आपको यहाँ पे मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। सो कैसे मिलता है नंबर ऑफ शेयर्स? 25% ओके ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, मतलब एक शेयर कितने का है। ओके, तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे एक शेयर है 10 रुपये का।
ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफर प्राइस गिवन एंड नॉट गिवन दोनों मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी. उसमें देखो पॉइंट नंबर 1 और 2 कॉमन आता है, नंबर 3 और 4 में चेंज है दोनों के वर्किंग नोट में, वो थोड़ा आप लोग देख लेना. सो 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख का 25%. अभी देखो यहाँ पे आपको समझना है ये 10 लाख किधर भी आता नहीं है, ये 4 लाख के ऊपर आपको फोकस करना है. सो ये 4 लाख का 25% 25% ओके डिवाइड बाय 10. सो 4 लाख का 25% आता है 1 लाख, एंड 1 लाख को डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको मिलेगा 10,000. मतलब आप मैक्सिमम कितना शेयर्स बायबैक कर सकते हो, तो 10,000 शेयर्स आप लोग बायबैक कर सकते हो. ओके नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता चलेगा. सो क्विकली देख लेते क्या देखा हम लोगों ने. पॉइंट नंबर 1 25% ऑफ टोटल ओन फंड्स, पॉइंट नंबर 2 मिनिमम फंड 6 लाख, एंड पॉइंट नंबर 3 देखा कि आप कितना शेयर बायबैक कर सकते हो. सो 10,000 इक्विटी शेयर्स. इसके बाद आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन में. पॉइंट नंबर 4 क्या आएगा, सो आप लोग यहां पे पॉइंट नंबर 4 देख सकते हो स्क्रीन पे. सो पॉइंट नंबर 4 आएगा कैलकुलेशन ऑफ ऑफर प्राइस. तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग ऑफर प्राइस, 1 और 2 दोनों में से विच एवर इज लेस आपके सामने है दोनों. नंबर 1 इज 4 लाख एंड नंबर 2 इज 6 लाख. सो ये 4 लाख और 6 लाख दोनों में से छोटा जो अमाउंट होगा, सो दोनों में से छोटा अमाउंट कौन सा है, 4 लाख डिवाइड बाय पॉइंट नंबर 3 दैट इज योर नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 10,000. सो 4 लाख डिवाइड बाय 10,000 करोगे तो आप कितना शेयर जो बायबैक करने वाले हो 10,000, उसका ऑफर प्राइस क्या रहेगा, ₹40 पर शेयर. तो एक शेयर के बदले में आप 10 रुपया दे सकते. ओके तो ये आपका फर्स्ट टास्क था जो कंप्लीट हुआ. क्या कैलकुलेट किया आपने, यहाँ पे आपको मिला नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक करना है, और यहाँ पे आपको मिला कितने में बायबैक करना है. सो अपना फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, वी हैव टू बायबैक 10,000 इक्विटी शेयर्स फॉर ₹40 इच, एक शेयर का ₹40. ओके सो यहाँ पे आपका फर्स्ट टास्क कंप्लीट होता है. उसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज जर्नल एंट्रीज. ओके जर्नल एंट्री करना है, लेकिन जब तक ये पता नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ सकते. ओके उसके लिए देखो क्विकली मैंने एक वर्किंग नोट बनाया आपको समझे इसके लिए. तो ये वर्किंग नोट हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं जर्नल एंट्री के पहले. सो वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना अमाउंट पे करना है, यहाँ पे देखो लिखा है एनवी. एनवी का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू. ओके सो नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम दैट इज एक्स्ट्रा. हम लोग ₹40 दे रहे हैं ना, शेयर है ₹10 का, कंपनी शेयर होल्डर को दे रही है 40, मतलब एक्स्ट्रा कितना दे रही है, ₹30 पर शेयर. ओके सो प्रीमियम आप लोग देख सकते हो, एंड लास्ट वन इज अमाउंट पेएबल. सो कैलकुलेशन इज शेयर्स कितना बायबैक करना है, 10,000 जो यहाँ पे लिखा था. सो 10,000 इंटू 10, एक शेयर का ऐसा 1 लाख आएगा फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, ₹30 पर शेयर प्रीमियम. सो टोटल प्रीमियम आएगा 3 लाख, और दोनों मिला के 1 लाख और 3 लाख मिला के आपको पेमेंट कितना करना है, 4 लाख का. ओके सो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे. सो अभी ये जो 1 लाख है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था देर आर सोर्सेस ऑफ बायबैक. सोर्सेज का मतलब ये 1 लाख आपको अरेंज करना है, तो इस 1 लाख के लिए आपको क्या क्रिएट करना होगा, CRR. Why CRR? Because ये पूरा क्वेश्चन मैंने देख लिया लेकिन मुझे कहीं पे भी फ्रेश इशू के बारे में बताया नहीं गया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्रिएशन ऑफ CRR. तो CRR हम लोग क्रिएट करेंगे आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, और आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट 2 अवेलेबल है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस. सो यू कैन यूटिलाइज आइदर ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट. तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जनरल रिजर्व. उसके बाद ये जो आपको लॉस दिख रहा है 3 लाख का सेट ऑफ. ओके और यहाँ पे देखो ये जो 3 लाख है डेट इज प्रीमियम, मतलब कंपनी ₹30 एक्स्ट्रा दे रही है पर शेयर, मतलब टोटल एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है आपको, 3 लाख. सो ये जो 3 लाख है वो कंपनी का क्या होगा, लॉस होगा. तो ये जो 3 लाख अमाउंट है उसको क्या करना है, आपको सेट ऑफ करना है. ओके इंट्रोडक्शन वीडियो में इसके बारे में बताया था, एडजस्ट करना है. तो किसके साथ एडजस्ट करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम सबसे पहले,
लेकिन आपको एडजस्ट करना है 3 लाख और आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है सिर्फ 2 लाख। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम लोगों ने यूज़ किया 2 लाख और बचा हुआ अमाउंट जो 1 लाख है वो कहाँ से यूटिलाइज किया, फ्रॉम जनरल रिजर्व। आप लोग चाहो तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यूटिलाइज कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। सो ये 3 लाख का बंदोबस्त हो गया, ऐसे मिला के कितना पेमेंट हो जाएगा, 4 लाख। सो दिस इज़ अवर वर्किंग नोट। अब इस वर्किंग नोट का कितना फ़ायदा है वो आपको जर्नल एंट्री लिखते वक्त समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू अवर जर्नल एंट्रीज जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा। सो हम लोग देखेंगे कि इस वर्किंग नोट के हेल्प से आप जर्नल एंट्रीज कैसे लिख सकते हो, लेकिन जर्नल एंट्रीज आने के लिए पहले आपको स्टेप्स पता होना चाहिए, ओके? तो स्टेप्स इट्स माय रिक्वेस्ट कि स्टेप्स का अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। बहुत से लोग स्टेप्स पढ़ते नहीं है, जर्नल एंट्री पढ़ते नहीं है, ओके, रट्टा मार के जाते हैं, फिर लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम होता है। सो क्विकली जर्नल एंट्रीज हम लोग देख लेते हैं, ओके? सो जर्नल एंट्रीज के लिए कॉलम्स ड्रॉ किया है यहाँ पे, पर नंबर्स, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। सो स्टेप वाइज हम लोग जाएंगे। स्टेप नंबर वन, जिसने लेक्चर अटेंड किए इसके पहले के वीडियो देखे उनके लिए, स्टेप नंबर वन था आपका पार्टली पेड अप शेयर्स टू फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ पार्टली पेड अप नहीं है, क्वेश्चन में भी लिखा है, देखो स्टार्टिंग में 40,000 × 10 मतलब फुल्ली पेड अप है, सो नो इशू। उसके बाद स्टेप आता है सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो स्टेप भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेश इशू, लेकिन फ्रेश इशू के बारे में कुछ बोला नहीं है। स्टेप नंबर 4 आता है आपका क्रिएशन ऑफ CRR, तो उसका एंट्री आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और कितने का CRR क्रिएट करना है, तो 1 लाख का। तो किस में से क्रिएट किया आपने CRR, दैट इज़ फ्रॉम जनरल रिजर्व। तो एंट्री आपको पता है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में, आप लोग देख सकते हो। सो CRR क्रिएट करने का एंट्री आता है, जिसमें से CRR क्रिएट किया वो डेबिट में आएगा और CRR क्रेडिट में आएगा। सो अवर एंट्री इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। नरेशन भी लिखा है बीइंग CRR क्रिएटेड, बीइंग CRR क्रिएटेड। तो कितने का CRR क्रिएट किया था हम लोगों ने, 1 लाख। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ पे भी 1 लाख है, ओके? 1 लाख का CRR आपने क्रिएट किया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, दैट इज रिकॉर्डिंग अमाउंट पेएबल स्टेप वाइज। तो यहाँ पे जो आपको अमाउंट पे करना है दैट इज विथ प्रीमियम, बिकॉज शेयर है 1 लाख का, लेकिन आप लोग पेमेंट कर रहे हो उसके लिए 4 लाख, ओके? 3 लाख क्या होगा, प्रीमियम। सो एंट्री आप लोग देख सकते हो, एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट इस वर्किंग नोट में लिखा है 1 लाख, प्रीमियम है 3 लाख और टोटल अमाउंट पेएबल इज 4 लाख, ओके? तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अमाउंट लिखा है 1 लाख नॉमिनल वैल्यू, 3 लाख प्रीमियम एंड टोटल पेएबल इज 4 लाख। नरेशन भी आप लोग देख सकते हो, बीइंग अमाउंट पेएबल रिकॉर्डेड। उसके बाद नेक्स्ट वन, ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है ये आपका लॉस होता है कंपनी के लिए, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना, तो ये लॉस को सेट ऑफ करते हैं। तो सेट ऑफ करने का भी मैंने लॉजिक सिंपल बताया था, लॉस को सेट ऑफ किया तो लॉस डेबिट में है ना, सेट ऑफ किया मतलब उसको किधर लिखोगे, क्रेडिट में। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रीमियम ऑन बायबैक क्रेडिट में आया और जिसके साथ सेट ऑफ किया सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व, तो जिसके साथ सेट ऑफ किया वो डेबिट में आएगा। लॉजिक समझोगे, जर्नल एंट्री ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जिसके साथ सेट ऑफ किया वो डेबिट में और जो सेट ऑफ किया वो क्रेडिट में। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 लाख अमाउंट है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख है जनरल रिजर्व से टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट, अमाउंट इज 3 लाख। नरेशन यू कैन सी बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक सेट ऑफ। उसके बाद लास्ट एंट्री आएगा नंबर 4, दैट इज पेमेंट स्टेप वाइज, ओके? सो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कुछ लोग कैश और बैंक भी लिखते हैं, सिर्फ बैंक लिखोगे तो भी चलेगा। सो दिस इज अवर लास्ट एंट्री एंड टोटल अमाउंट इज 4 लाख। जो 4 लाख पे किया वो अमाउंट यहाँ पे लिखना है। नरेशन यू कैन सी बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो ये सिर्फ 4 ही जर्नल एंट्रीज यहाँ पे आया। इसके लिए आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन इसके कैलकुलेशन को भी मार्क्स है वो आपको समझना चाहिए, ठीक है? कुछ लोग
नरेशन लिखते नहीं है, लेकिन नरेशन लिखना अच्छा है, हो सकता है आपका मार्क्स पेपर चेकिंग के वक्त कट हो जाए। ओके, सो दिस इज योर जर्नल एंट्री। तो हम लोगों ने अब तक क्या किया, कैलकुलेशन किया, वर्किंग नोट बनाया और उसके बाद में लिखा जर्नल एंट्रीज, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो जर्नल एंट्रीज के बाद जो दूसरा चीज पूछा था लास्ट, दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स। सो नोट्स टू अकाउंट्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, जिसको बैलेंस शीट आता है उसको पता है, नहीं पता टेंशन मत लो। दो कॉलम्स बनाना है, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। ओके, उसमें सबसे पहले आएगा 99% TYBCOM को नोट्स टू अकाउंट्स ही पूछा जाता है, बैलेंस शीट पूछते नहीं है। सो पर्टिकुलर्स रुपीज, सबसे पहला आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या लिखा है, ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड का मतलब मैंने बताया था आपको, कंपनी उसके लाइफ टाइम में कितना शेयर इशू करेगी उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। सो दे हैव रिटर्न 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो 1 लाख शेयर्स है, ₹10 का टोटल अमाउंट 10 लाख है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 लाख लिखा हुआ है, ठीक है, वही ऑथोराइज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा और उसको किया हम लोगों ने डबल अंडरलाइन, बिकॉज इसका क्वेश्चन के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। सेकेंड, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, जो क्वेश्चन में आपके स्टार्टिंग में लिखा था कितना था, 40,000 इक्विटी शेयर्स। सो 40,000 में से यहाँ पे लिखो, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है बायबैक किया आपने 10,000, सो 10,000 माइनस होगा, बचेगा कितना, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इंच, तो अमाउंट आएगा उसका 3 लाख। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका एक शेयर कैपिटल का शेड्यूल ख़त्म हो जाता है। सेकेंड शेड्यूल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपके आपके लिए, दैट इज़ रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकेंड शेड्यूल में सबसे पहले लिखा है जनरल रिजर्व, जो था 4 लाख, यहाँ पे बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो 4 लाख है जनरल रिजर्व। उसमें से लेस किया 1 लाख, जो आपने यूटिलाइज किया था CRR के लिए क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद और 1 लाख कहाँ पे यूज़ किया, फॉर सेट ऑफ। ओके, इस वर्किंग नोट में आप लोग देख सकते हो प्रीवियस वर्किंग नोट, 1 लाख फॉर CRR एंड 1 लाख फॉर सेट ऑफ। तो ये 1 लाख 1 लाख 2 लाख यहाँ पे माइनस हो जाएगा और जनरल रिजर्व में बचेगा सिर्फ 2 लाख। नेक्स्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आपने कुछ भी किया नहीं है, यहाँ पे बैलेंस शीट में भी 6 लाख था और वो लास्ट में भी 6 लाख ही आएगा। ओके, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख था, पूरा का पूरा यूटिलाइज हो चुका है फॉर सेट ऑफ, तो लास्ट में बचेगा नील। और यहाँ पे एक नया रिजर्व क्रिएट किया आप लोगों ने जिसका नाम है CRR, तो उसका अमाउंट आएगा 1 लाख, बिकॉज आपने देखो CRR क्रिएट किया था 1 लाख का, तो CRR भी आपको रिफ्लेक्ट करना है नोट्स टू अकाउंट्स में अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। और इन तीनों का टोटल करोगे 2 लाख 6 लाख, ये शेयर कैपिटल अलग है इसका टोटल मत करो, 2 लाख 6 लाख और 1 लाख, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा 9 लाख, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन देखा वो क्वेश्चन था व्हेन ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन, और ये क्वेश्चन पूछा था 20 मार्क्स के लिए, ठीक है, फॉर TYBCOM इन द ईयर 2019, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे आपको ये क्वेश्चन भी आ जाएगा और 20 मार्क्स आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑन ऑफर प्राइस गिवन। थैंक यू सो मच।